वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अज जिवें आप सारे जाणू हो, बाबा दीप सिंह जी जो सिख कौम के महान जरनैल ने, उन्हां दा जन्म दिहाड़ा मनाया जा रहा है। विशेष तौर पर सत्कारयोग सरदार इंद्रजीत सिंह जी, गौतम जी, उन्हां दी समुची टीम का बहुत वड्डा उपराला है, जिन्हां ने ये प्रोग्राम जड़ा है डिस्ट्रिक्ट गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के सहयोग के नाल आर्गनाइज किया। अज सवेरे 10 बजे श्री अखंड पाठ साहब जी की समाप्ति तो बाद कीर्तन दरबार सजाए गए, जिन्हां दे विच कीर्तनी सिंघां ने कीर्तन के नाल संगतां नूं निहाल किया। इत्थे दे प्रचारक जिहड़े सन, उन्हां ने बाबा दीप सिंह जी की जीवनी जिहड़ी सी उस दे उत्ते जो है रोशनी पाई, संगतां तक वो इतिहास जिहड़ा है पहुँचाया है। बाबा दीप सिंह जी जिवें कि आप भली भांत जाणू हो कि वह पंजाब के अमृतसर के पिंड पोविंड विखे रहिंदे सन। उन्हां दे पिता जी जिमीदार सन, जट सन, जट जो खानदान है उहदे नाल संबंध रखते सन, पर उन्हां दे अंदर गुरु प्रति बहुत वड्डी श्रद्धा, बहुत वड्डा प्यार सत्कार सी। हर रोज़ वो अपने इस छोटे बच्चे दीपे नूं नाल लै के गुरु घर के अंदर जाया करते सन। तो उत्थे दे जो ग्रंथी सिंह सन, वो भी बड़ी चढ़दी कला वाले सिंह सन, वो इन्हां बच्चों नूं प्रेरित करते सन, इन्हां नूं गुरमुखी पढ़ाते सन, इतिहास के नाल जोड़िया करते सन। उत्थों इन्हां नूं ये लाग लगी, तो फिर विसाखी वाले दिन ये सारा परिवार जड़ा है, भगता जी, जीवनी जी, दीपा जी, ये सारे गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के दरबार में पुजते हैं आनंदपुर साहब, उत्थे गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के चरणों के नमस्कार करके, छूह प्राप्त करके ये निहाल हो जाते हैं और उस संगत में बैठते ने। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दीपे ते नज़र पा के इन्हों देखते ने, बड़े उच्चे कद के नौजवान होनहार बच्चे नज़र आते ने। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज मुस्कुरा इन्हों नाम पुछते ने, कहते ने ये नीवियां पा के अपना नाम दसते ने कि मेरा नाम दीपा है। कहन लगे कितों आए हो? कहन लग्या पोविंड पिंड अमृतसर तो आए हाँ। कहते पिता जी का नाम? कहते भगता। तो कहते माता जी का नाम? कहन लगे जीवनी। तो जिस